हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट जिसमें हम 8th यूनिट डील कर रहे हैं, जिसका नाम है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। सो हमने वाटर के बारे में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया था, और अभी हमने कल जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, और रेगुलेशंस ऑफ बॉडी, हमने सारे पॉइंट्स डील किए थे। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का जब इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या चीज़ें होती है। तो फर्स्टली देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देखेंगे हम सबसे पहला जो इलेक्ट्रोलाइट है, हम सोडियम को डील करेंगे। तो सोडियम क्या है, सोडियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन ECF विद कॉन्सेंट्रेशन रेंजिंग फ्रॉम 135 MEQ पर लीटर टू 145 MEQ पर लीटर। सोडियम इज़ द प्राइमरी रेगुलेटेड ऑफ द वॉल्यूम, ऑस्मोलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ECF। अब सोडियम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट विशेष एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो रेंज है, एक नॉर्मल रेंज जो हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल होना चाहिए, ये कितना होता है, 135 MEQ पर लीटर टू 145 MEQ पर लीटर के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए। तो नॉर्मल रेंज यही है इसकी, 135 MEQ पर लीटर टू 145 MEQ पर लीटर। अगर इसकी रेंज सोडियम की अगर 135 MEQ पर लीटर से कम होती है तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोनैट्रेमिया होगा। और अगर इसकी रेंज 145 MEQ पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो हाइपरनैट्रेमिया कॉज होता है। तो जो सोडियम है ये क्या करता है, हमारे जो वॉल्यूम है फ्लूड का, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है, और हमारे जो ECF फ्लूड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो सोडियम का जो नॉर्मल लेवल है, ये आपको कीप ऑफ द माइंड रखना है कि नॉर्मल कितना है, 135 MEQ पर लीटर टू 145 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सोडियम। इट रेगुलेट्स द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है हमारी, उसके जो एसिड बेस बैलेंस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। सेकंड जो फंक्शन है, इट मेंटेन्स द फ्लूड बैलेंस एंड नॉर्मल ऑस्मेटिक प्रेशर इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब ये क्या करता है, जो ऑस्मेटिक प्रेशर्स हैं, एक नॉर्मल ऑस्मेटिक प्रेशर्स हैं हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड्स हैं और इंट्रा सेलुलर फ्लूड जो कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें क्या करता है, इसको फ्लूड को मेंटेन करके रखता है। थर्ड, इट आल्सो फंक्शंस इन एस्टेब्लिशिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेट नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब इसका जो एक मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेट है उसको इस्टेब्लिश करने का काम करेगा, साथ में जो हमारी मसल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रेक्शन में भी हेल्प करता है, और जो नर्व्स होती हैं उसके जो इम्पल्सेस हैं उसको ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम का एक्सक्रीशन कहाँ से होगा। सोडियम इज़ प्राइमरली एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। जो किडनी है वो क्या करेगा, सोडियम को एक्सक्रीट करेगा बॉडी से। ए स्मॉल अमाउंट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द स्किन एंड GI ट्रैक्ट। कुछ अमाउंट में जो हमारी स्किन है, त्वचा है, और जो GI ट्रैक्ट है, ये इसके थ्रू भी कुछ अमाउंट में सोडियम हमारा एक्सक्रीट आउट होता है। द किडनी आर प्राइमरली रेगुलेटेड ऑफ सोडियम बैलेंस इन द बॉडी। क्या करती है किडनी, हमारी फिल्ट्रेशन का काम करती है, रेगुलेशन का काम करती है। तो ये सोडियम के बैलेंस को हमारी बॉडी में क्या करेगी, एक मेंटेन करने का काम करेगी, रेगुलेट करने का काम करेगी। तो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम में हमने क्या देखा कि जो किडनी है ये सोडियम को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है, और कुछ अमाउंट में स्किन और जो GI ट्रैक्ट है ये भी हमारे जो सोडियम है उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं। किडनी क्या है, हमारे जो सोडियम का लेवल है उसको मेंटेन करती है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोनैट्रेमिया।
अब हाइपोनेट्रेमिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नॉर्मल जो लेवल है सोडियम का बॉडी में वो कितना होना चाहिए, 135 टू 145 MEQ पर लीटर होना चाहिए। अगर 135 MEQ पर लीटर से अगर इसका लेवल डिक्रीज होता है तो हाइपोनेट्रेमिया कॉज होता है, और अगर इसका लेवल 145 MEQ पर लीटर से इंक्रीज होता है तो हाइपरनेट्रीमिया कॉज होगा। तो हम फर्स्टली हाइपोनेट्रीमिया को डील करते हैं। तो हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, इन हाइपोनेट्रीमिया सीरम सोडियम लेवल लेस देन 135 MEQ पर लीटर। अब इसमें क्या होगा, जो सीरम सोडियम लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बॉडी में, तो इसकी नॉर्मल रेंज से कम अगर होगा तो हाइपोनेट्रीमिया कॉज होगा। तो नॉर्मल रेंज दी है 135 MEQ पर लीटर। हाइपोनेट्रीमिया यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम ए लॉस ऑफ सोडियम फ्रॉम द बॉडी। अब ये किसके कारण हो रहा है, जब हमारी बॉडी से सोडियम जो है लॉस हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी फ्लूड से सोडियम की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हाइपोनेट्रीमिया कॉज हो जाएगा। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में जो सीरम लेवल सोडियम लेवल है वो नॉर्मल रेंज से बिलो हो जाता है, मतलब 135 MEQ पर लीटर से कम हो जाता है, तो हाइपोनेट्रीमिया कॉज होता है। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो सोडियम का जो लेवल है वो हमारी बॉडी से कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब हाइपोनेट्रीमिया में तीन कंडीशंस होती है, एक हाइपोवॉल्यूमिक होता है और एक हाइपरवॉल्यूमिक होता है, थर्ड होता है नॉर्मोवॉल्यूमिक। अब हाइपोवॉल्यूमिक क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक मतलब इसमें जो फ्लूड है हमारा, फ्लूड में सोडियम भी कम हो जाएगा और फ्लूड भी कम हो जाएगा, मतलब बॉडी में सोडियम की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और जो फ्लूड का अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा, उस कंडीशन को हम हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन कहते हैं। अब सेकंड कंडीशन आती है हाइपरवॉल्यूमिक। हाइपरवॉल्यूमिक क्या होगा, इसमें हमारे फ्लूड का लेवल तो इंक्रीज है, बॉडी में फ्लूड का लेवल इंक्रीज होता है, बट उसमें सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, उसे हम हाइपरवॉल्यूमिक कंडीशन कहते हैं। थर्ड जो कंडीशन है नॉर्मोवॉल्यूमिक। अब नॉर्मोवॉल्यूमिक में क्या है, नाम से पता चल रहा है नॉर्मल लेवल है दोनों का, बट क्या होगा, किसी भी जो लेवल है फ्लूड का सोडियम का वो नॉर्मल हो जाएगा, बट हाइपोनेट्रीमिया कॉज होगा, फिर भी सोडियम का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, कुछ अगर एंटी डायरेटिक्स ले रहे हैं, डायरेटिक्स ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होगी। उसी टाइप से देखिए हाइपोवॉल्यूमिक में क्या था, कि जो फ्लूड का लेवल है वो नॉर्मल है, फ्लूड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, साथ में सोडियम का लेवल भी डिक्रीज़ हो रहा है, उसको हम हाइपोवॉल्यूमिक कहते हैं। अब हाइपरवॉल्यूमिक में क्या हो रहा है, फ्लूड का लेवल तो मेंटेन है बट उसमें सोडियम का लेवल कम हो रहा है, जिस कंडीशन को हम हाइपरवॉल्यूमिक कंडीशन कहते हैं। जैसे कि ये आसाइटिस की कंडीशन में हो सकता है या फिर लीवर सिरोसिस की कंडीशन में हो सकता है। थर्ड जो है नॉर्मोवॉल्यूमिक है, मतलब दोनों का लेवल नॉर्मल है बट कुछ डायरेटिक्स के कारण ये कंडीशन हो सकती है। अब देखते हैं हम कॉजेस, हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेस क्या होंगे। एक्सेस सोडियम लॉस कैन अकर थ्रू द किडनी, जीआई ट्रैक्ट एंड स्किन। मतलब क्या है, अब स्किन के थ्रू या जीआई ट्रैक्ट के थ्रू, किडनी के थ्रू क्या हो रहा है, सोडियम का जो लेवल है वो एक ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो रहा है, तब ये कंडीशन कॉज होगी, जिस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। अब इसका और भी रीज़न हो सकता है, और भी कॉजेज है, जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया, जीआई सक्शन हो सकता है। थर्ड जो कॉज है, डायरेटिक मेडिकेशंस हो सकती है, अगर कोई डायरेटिक्स ली है तो उसके थ्रू क्या होगा, जो सोडियम है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिसके कारण ये कंडीशन अराइज हो सकती है। एंड किडनी डिसीज़, अगर कुछ किडनी डिसीज़ है उससे भी ये अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे, हाइपोनेट्रीमिया में मसल्स क्रैम्पिंग होगी,
और साथ में वीकनेस लगेगी, फटिक लगेगी। ऑब्वियसली जब फ्लूड लॉस हो रहा है बॉडी से, सोडियम की जो क्वांटिटी है लॉस हो रही है, तो उसके कारण पेशेंट बहुत टायर्ड फील करेगा, बहुत पेशेंट को वीकनेस लगेगी, फटिक होगा, हेडेक होगा पेशेंट को, और डिप्रेस्ड भी हो सकता है पेशेंट। ठीक है, मतलब पेशेंट को क्या है, डिप्रेशन में भी पेशेंट जा सकता है। साथ में पेशेंट को इरिटेबिलिटी होगी और पेशेंट लिथार्जी फील करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। अब हाइपोनेट्रीमिया का मैनेजमेंट क्या होगा? इफ़ हाइपोनेट्रीमिया इज़ माइल्ड, इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ फूड्स हाई इन सोडियम मे रिस्टोर नॉर्मल सोडियम बैलेंस। अब हाइपोनेट्रीमिया की जो कंडीशन है, अगर माइल्ड कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, जो फूड्स दे रहे हैं हम पेशेंट को, उसमें जो सोडियम का लेवल है उसको इंक्रीज़ करेंगे, मतलब सोडियम रिच डाइट हम उसको देंगे, जिससे कि सोडियम का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाए, एक नॉर्मल लेवल हो जाए सोडियम का। इन माइल्ड केसेस फ्रिक्वेंट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर विथ एडेड सोडियम क्लोराइड और विथ आइसोटोनिक 0.9% सलाइन सॉल्यूशन बाय आईवी ओवर 6 to 12 hours। अब कुछ माइल्ड केसेस में हम क्या करेंगे, एक ड्रिंकिंग वाटर देंगे एक फ्रिक्वेंट अमाउंट में, जिसमें कि हमें सोडियम क्लोराइड को ऐड करना है, और उसके साथ हम आइसोटोनिक भी दे सकते हैं 0.9%, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं आईवी के थ्रू। इसे कितने ड्यूरेशन में देना है, 6 to 12 hours के ड्यूरेशन में हमें देना है, जिससे कि जो उसका जो फ्लूड बैलेंस है वो नॉर्मल लेवल में आ जाए, फ्लूड का नॉर्मल बैलेंस हो जाए। इन मोर सीवियर केसेस 2 to 5 liters ऑफ सोडियम क्लोराइड और विथ आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन इज गिवन बाय विद इन 24 to 48 hours। इफ हाइपोनेटीमिया इज एसोसिएटेड विथ वाटर इंटॉक्सिकेशन, रेस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक टू 500 to 1000 ml इन 24 hours। अब यहाँ पर क्या है, अगर सीवियर केसेस हैं तो सीवियर केसेस में अगर ज़्यादा फ्लूड लॉस हो गया है तो क्या करेंगे, पेशेंट को 2 to 5 liters क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी देंगे, साथ में आइसोटोनिक सलाइंस भी देना है हमें, और इसके कितने टाइम के अंदर देना है, 24 to 48 hours के अंदर में हमें ये पेशेंट को प्रोवाइड करनी है सोडियम क्लोराइड, उसके साथ में आइसोटोनिक सलाइन देनी है। और यदि हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट को है तो क्या करना है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया डिपेंड्स ऑन इट्स कॉजेस। अब ये क्या है, इसके कॉजेस पर डिपेंड करते हैं हाइपोनेट्रीमिया की, पर जो हाइपोनेट्रीमिया की जो कंडीशन है इज करेक्टेड स्लोली टू अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ सेरिबुलर एडिमा विच इज सेकेंडरी टू शिफ्ट ऑफ वाटर इनटू ब्रेन सेल्स। इसमें क्या होगा, जो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है, इसमें ये स्लोली इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में इसको पेशेंट को ला सकते हैं, इसको हम स्लोली ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, द प्रिंसिपल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज ओरल और आईवी रिप्लेसमेंट हाइपोटोनिक आईवी फ्लूड्स सच एज 0.45% एनएसीएल सॉल्यूशन और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर में बी एडमिनिस्टर्ड। इसमें क्या करना है, इसके ट्रीटमेंट में जो ओरली या फिर आईवी हमें क्या करना है, वाटर का रिप्लेसमेंट करवाना है, और इसमें जो हाइपोटोनिक फ्लूड्स हैं जैसे कि 0.5% हमें क्या करना है, NaCl सॉल्यूशन देना है, मतलब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन देना है, और 5% डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं साथ में, देन क्या करना है, हमें वाटर एडमिनिस्टर करना है। सो क्लास, हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में फर्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट था सोडियम, उसे हमने डील किया, जिसमें हमने देखा कि सोडियम का जो लेवल था वो डिक्रीज हो रहा था तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ रही थी, और जो लेवल इंक्रीज हो रहा था उसमें हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ रही थी। देन हमने उसके कॉजेज भी देखे और उसका मैनेजमेंट देखा। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू क्लास।